ऐसे मेरे अंदर फीलिंग्स चल रही है। बाकी आप डायरेक्टर सर से पूछिए ये क्या बोलते हैं। एक्चुअली मालूम है लड़कों का जो होता है ना आवाज बंद हो जाता है इस दिन, ठीक है। बीइंग अ डायरेक्टर इनको बोलने का हक है, ये बोल रही है। सिलसिला कब शुरू हुआ? सिलसिला कुछ वैसे तो मान लो कुछ 1.5-2 साल हो गए सिलसिला शुरू हुए, आज इसको अंजाम तक पहुँचा दिया। मतलब वो रोल एक्शन बोलते बोलते इन्होंने सोचा कि रियल लाइफ को रियल लाइफ में चेंज कर दें। तो इसमें ससुराल सिमर का मैं आपका अच्छा एक्सप्लेन अच्छा रोल है, तो वहाँ पे तो माहौल अब बदल जाएगा शादी के बाद, वहाँ पे भी वैसे ही रहे? नहीं, वो अभी आप देखना, मैं वो माहौल बदले नहीं बदले उसका भी जवाब देने वाली हूँ जब हमारी संगीत जो प्रॉपर शुरू होगी, तो उसका भी जवाब दूंगी गानों के साथ। तो बट एक्चुअली माहौल क्यों चेंज होता है? क्यों चेंज होगा? आई डोंट नो क्यों चेंज होगा, आप बताइए। साथ ही है और सेट पे ही साथ ही रहेंगे। नहीं नहीं, सेट पे साथ ही रहेंगे। मैं ससुराल सिमर का कर रही हूँ और ये आहट कर रहे हैं। हम लोग सहारा के एक शो में हम लोग दोनों मिले, तो जिसे मैं लीड कर रही थी ये डायरेक्ट कर रहे हैं। यस, जोधा अकबर में एक्चुअली वो लोग मेरी शादी सलीम से ही करने वाले, तो मैंने बोला पहले मैं रियल लाइफ की शादी खत्म कर लेती हूँ। वो प्रॉपर हमारा जो नॉर्थ का कल्चर है हमारे फैमिली का, उसके अकॉर्डिंग शादी होता है 21st डे। कौन कौन लोग शामिल हैं? यहाँ से तो बिकॉज सबके लिए आना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन यस, दीपिका सिमर जो हमारे शो से है वो मेरी बहुत अच्छी 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 बहुत अच्छी फ्रेंड है। शी इज लाइक माई सिस्टर ऑन लाइक दैट, तो शी इज़ कमिंग देयर, आई एम वेरी हैप्पी। उसके बिना तो शायद मैं ये सब कुछ कर भी नहीं पाती। आई डोंट नो, मतलब तैयार होना ये सब चीज़ें, उसको बहुत आइडिया है, उसी ने मेरी सारी हेल्प की, ये करना है वो करना है ये नहीं करना है एंड ऑल दैट। तो कुछ बातें जो नॉर्थ इंडियन कल्चर की होती हैं वो आपको याद आती हैं, जैसे लहंगा हुआ ये? सी, इनके साथ तो ऐसा है कि ये संजम के फादर नेवी में थे, तो इनको नॉर्थ के बारे में ज़्यादा तो मालूम है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रैवल करती रही ऑल अराउंड, तो इनको हर कल्चर के बारे में मालूम है। मैं प्रॉपर नॉर्थ में बॉर्न, ब्रॉट अप, सारा एजुकेशन वहाँ से हुआ है, तो हाँ ऑब्वियसली जब वहाँ जाते हो यहाँ पे क्या होता है, प्रोफेशनली बहुत अच्छा फील होता है, प्रोफेशनली फ्रेंड्स के साथ घर जैसा फील होता है, बट वहाँ जाओ तो एक्चुअल होम ही फील होता है। पूरा धूमधाम होगा एकदम एकदम। मैं भी मतलब बना सर, मुझे लगता है आप सब नॉर्थ से हो तो यू नो बेटर। जी जी, आप उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और आप अपने गेटअप के बारे में थोड़ा सा बताइए। आप तो पहले कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। गेटअप के बारे में एक्चुअली मुझे वो ये सब ज़्यादा शौक नहीं है, आई मीन मतलब आप लोग भी जितने बार सेट पे आएंगे, ये सब चीज़ें बहुत बार हुई है कि मैंने बताया कि मुझे ज़्यादा मेकअप का शौक नहीं है। सेट पे भी होता है कि खुशी मैडम प्लीज़ मेकअप कर लीजिए, आई एम लाइक प्लीज़ यार। और तो इस बार तो मुझे पकड़ पड़ के मेरे सारे को एक्टर्स ने बोला है कि प्लीज़ इस बार तेरी संगीत है तो मेक श्योर कि तू प्रॉपर मेकअप वेकअप लड़की हो, जैसे मतलब अच्छे से गुड गर्ल की तरह रहे। सो आई मीन तो आप देखिए प्रॉपर और संगीत में अगर जो ब्राइड है वो डांस नहीं करेगी तो फिर मजा नहीं आएगा ना, ऐसा मुझे लगता है। एंड यूज़ किया क्योंकि मुझे हमेशा सर पे मतलब मांग टीका का बहुत शौक है हमेशा, इवन पल्लू का भी मुझे बहुत शौक है, तो इसलिए मैंने पहले से एक्चुअली मैं पहले से प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि मैं बनारस जाऊँगी और शादी के बाद 10 दिन जब बाहर रहूँगी। थोड़ा नॉर्थ इंडियन कल्चर के हिसाब से हाँ, तो काफी नॉर्थ इंडियन जो साफ होती है आप उनको कैसे टैकल करेंगे? कैसे टैकल करूंगी? नॉर्थ इंडियन साफ, एक मिनट, ये मुझे जवाब दे, मेरी मॉम के बारे में ऐसा नहीं बोलने दीजिए। नहीं, इनकी मॉम एक्चुअली मैं बोलूंगी मेरी मॉम, ओके, एंड नहीं वैसी बात नहीं है, शी इज टू गुड। मतलब मैं उनसे अब जब फोन पे बात करती हूँ बताती हूँ, काश वो आती और भी मजा आता। मैं उनको बता रही थी मुझे ना आपको मॉम बताना, आई कॉल हर मॉम, मैंने बोला मुझे आपको ये बताना कि मैंने क्या क्या गेटअप किया, क्या क्या ड्रेस किया, क्योंकि मैं बहुत बातें करती हूँ और वो मेरी सारी बातें बड़े प्यार से सुनती है। तो आई जस्ट विश काश वो अगर होती तो और ज्यादा मजा आता यहाँ पे आती। तो यहाँ की शादी की बात करें तो यहाँ की शादी 2 घंटे में खत्म हो जाती है, यूपी में बात करें तो पूरी रात भर शादी चलती है, इसकी तैयारी बहुत धूमधाम से होती है, तो पूरी रात भर आप बैठने के लिए तैयार है पूरी तरीके से। काफी काफी दिन से अपने आपको मेंटली प्रिपेयर कर रही है। आप इनसे आप पूछ लो, ये बता देंगे तो आपको। इन्होंने मुझे बताया हुआ है सबसे थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट टास्क जो है वो ये होगा बनारस में जो मुझे 10 दिन के लिए मतलब साड़ी पहन के सर पे पल्लू में रहना है, मतलब घर पे प्रॉपर यू नो,
आई एम एक्साइटेड फॉर दैट ऑल्सो कि मुझे पसंद है एक्चुअली सर पे पल्लू, बट अब तक डेली सोप में हमने किया नहीं होना चाहिए। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, डेली सोप में हमने किया नहीं, फर्क पड़ता है। डेली सोप में क्या होता है कि आप ठीक है, मतलब सर पे पल्लू है, दीदी है, आके ठीक कर लिया, साड़ी है, ये हो। जब आप रियल में जब ये सब करते हो तो चीज़ें बहुत अलग होती है। आई मीन इनफैक्ट मेरे रोके के टाइम पे मैं जो इतनी मस्ती वस्ती मस्ती खो रूँ, मैं अपना भी बहुत शर्मीली सी हो गई थी, पता नहीं क्यों। अच्छा लास्ट अपने फैंस आप क्या कहेंगे? मैं अपने फैन से ये कहूँगी कि मुझसे प्यार करते रहिए, और क्या मतलब मेरी मतलब शादी कर रही हूँ कोई बात नहीं, आप लोग मुझसे अभी भी प्यार कर सकते हैं, नफरत मत करना। और अभी खुशी जो बिल्लो रानी है वो थोड़े वैसे रूप नहीं दिखा रही है बिल्लो रानी वाले, तो आप ज्यादा नफरत वाले प्यार नहीं, सिर्फ प्यार वाला प्यार मुझे दीजिए। बाकी सवाल हम आपसे बनारस से वापस आने के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद पूछेंगे और अच्छे से जवाब देंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। इससे आगे इन दोनों को दुआ देने के लिए आज का खूबसूरत जोड़ा
We'll be right back.
ये दोनों तो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं, तो एक दूसरे को तो बहुत अच्छी तरह से पहचान गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि अभी अपना नया जीवन शुरू कर रहे हैं। अब इस खूबसूरत बच्ची से सुनिए। मैं बहुत खुश हूँ कि ज्योत्सना को सारी खुशियाँ मिल रही हैं, और वो बहुत क्यूट है, बहुत स्वीट है, नितेश भी बहुत स्वीट है, तो दोनों एकदम परफेक्ट कपल है, सो मेड फॉर ईच अदर, सो आई एम श्योर वो बहुत खुश होंगे। जी मेरी शादी को तो 22 साल हो गए हैं, तो इतना ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा हाथ हमें बढ़ाना पड़ता है तो ही सामने वाला बढ़ाता है, और आज जो ये गठबंधन है तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस समझ के साथ ही दोनों ने एक दूसरे के प्रति हाथ बढ़ाया है। तो चलिए हम उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ज्योत्सना और नितेश, इन दोनों की जोड़ी ऐसे ही सालों साल अपनी खुशियां हमारे साथ बांटती रहे। एक लड़की की जब शादी होती है तो वो पूरी तरह से नए कल्चर में जाती है, नए लोगों का जाती है, तो वो कैसे एडजस्ट कर पाती है, कोई ऐसा चीज़ है जो कि आपकी शादी के बाद? मुझे ऐसे लगता है कि जिस माहौल में हम लोग फिलहाल रह रहे हैं, ज्योत्सना ही शायद नितेश को अपने घर ले आ रही है, क्योंकि नितेश बनारस के हैं और ज्योत्सना अभी मुंबई की है। शादी के बाद शायद नितेश मुंबई आ जाएंगे, लेकिन हाँ ये बात तो ज़रूर है कि उनके संस्कार, उनके संस्कारों में ढलने की हमारी ज्योत्सना ने भी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, जो वो ज़रूर करेगी। जी एक्चुअली मैं ज्योत्सना को कैसे टिप्स दे सकती हूँ, इनफैक्ट मुझे उसे टिप्स लेने चाहिए, उसकी शादी हो जाएगी तो मैं पहले हो रही है, उसकी पहले हो रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं बहुत मुस्कुरा रही हूँ, उनकी बातें सुन रही हूँ, इनसे भी सीख रही हूँ फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं ज्योत्सना जी मेरी तरफ से। हालांकि मैं, हम तो ज्योत्सना को पहले से जानते हैं, जानते हैं कि इतनी चुलबुली, बिल्कुल अपने कैरेक्टर की तरह खुशी टाइप थी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी, हम सबकी तरफ से। जिस तरह से वो खुशी अपनी पर्सनल लाइफ में चुलबुली से है, तो शादी के बाद भी उसकी लाइफ वैसे ही गुजरे। या देखिए, मैं मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ज़्यादा एक्सपीरियंस तब करूँगा जब मैं खुद शादी करूँगा, तो फिलहाल अभी तो फिलहाल वक्त है, अभी तो अभी वक्त है। यहाँ के शादी का कुछ रूल रेगुलेशन कुछ अलग होता है, लेकिन गांव की शादी का कुछ अलग ही होता है, ये शादी गांव में हो रही है, तो आप तो गांव में जा रहे हो। देखिए, गांव की शादी हो, शहर की शादी हो, शादी शादी होती है, उसका एक अपना ही मज़ा होता है। तो अब हम शहर में जाएँ, गाँव में जाएँ, हमारा मेन मकसद है कि हम जी खोल के डांस करेंगे, जी खोल के इन्जॉय करेंगे। बाकी देखिए, मेरे लिए दुश्मन तो वो 2 साल पहले ही ख़त्म हो गई थी जब से मैंने शो छोड़ा था, फिलहाल वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो बस दिल से एंजॉय करेंगे, उसको शुभकामनाएं देंगे, आगे भी इंशाल्लाह उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ होता हुआ है। थैंक यू सो मच। मैं इनको बेस्ट विशेष दूंगी, और मैं बहुत खुश हूँ ज्योत्सना के लिए। आई होप, आई विश कि वो बहुत खुश है शादी के बाद, और मैं इस बात से भी ज़्यादा खुश हूँ कि उसने हमें इनवाइट किया है, बिकॉज हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, हम लोग इन्जॉय करने का मौका मिलेगा। हाँ,
ये तो एक्चुअली वही दोनों बता सकते हैं अल्टीमेटली, बट आई थिंक कि अंडरस्टैंडिंग होगी डेफिनेटली, क्योंकि एक फील्ड में होते हैं तो जो भी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के, तो वो बातें दोनों का पता होती है, तो आई थिंक इट्स बेटर. हाँ बिल्कुल, मैं एक देना चाहूँगी क्योंकि सीरियल में मेरी जब शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड के पास ना वो नहीं था, सर्वेंट्स नहीं थे और कुक्स नहीं थे, तो मैं अनितेश को ये टिप देना चाहूँगी कि ज्योत्सना को ज्योत्सना के हाथों को थोड़ा रेस्ट दें और एक अच्छी सी कुक रख लें. नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों खाना बनाती रहेगी तो काम कब करेगी भाई वो. नहीं एक्चुअली सीरियल और रियल लाइफ में बहुत फर्क है. रियल लाइफ में जितना हो सके उतना म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग पे चलना चाहिए और ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है शादी से पहले या शादी कंटिन्यू रखना ट्रस्ट. सो आई विश देम रियली गुड लक. ये तो बाद में पता चलेगा. नो कमेंट्स. विशिंग ज्योत्सना एंड नितेश अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ. थैंक यू सो मच. लग रहा हूँ कैसे बधाई देना चाहेंगे ज्योत्सना अगर हम लोगों को बोलने का मौका देगी तो हम लोग बोलेंगे एक्चुअली खुशी का क्या है, एक्चुअली ज्योत्सना का क्या है कि वो जब शुरू होती है तो एक ही बारी में शुरू होती है. लकीली अभी वो अंदर तो आज इसलिए हमें मौका मिल रहा है बोलने का मौका मिल रहा है, आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है. लेकिन क्या है कि आज सबसे ज़्यादा अगर एक्साइटेड है, मतलब होता है ना लोग शादी पे थोड़ा शर्माते हैं लड़कियाँ, लेकिन उसको नहीं है, उसको सिर्फ डांस करना, उसको सिर्फ ये है कि मतलब कौन कौन आएगा और क्या क्या लाएगा. सो रही हम लोगों की बधाई देने की बात, यस वी आर गोना सेलिब्रेट इट, देयर आर डिफरेंट स्टाइल, एक पैकेज है हमारे पास जो हम उसको देना चाहते हैं. सो लेट्स सी. अच्छा एक सवाल है कि अगर लव मैरिज और ऑरेंज मैरिज में क्या फर्क क्या पड़ता है, क्या लोग लव मैरिज आदमी परेशान होता है? देखिए अगर चॉइस आप ढंग की नहीं करेंगे तो परेशान होंगे, और लव मैरिज में भी आई थिंक मेरे हिसाब से अपने माँ बाप की मंजूरी ले लें तो लव कम अरेंज हो जाती है जो कि ज़्यादातर सक्सेसफुल होती है. बाकी भाग भाग की शादी करने के मैं फेवर में नहीं हूँ. नहीं एक घर वालों की मर्जी से जो शादी होती है कहते हैं वो बहुत लंबा. नहीं तो जो घर वालों से मर्जी से शादी होती है वो शायद लव मैरिज भी हो सकती है. लड़की को घर वाले पसंद आ गए, घर वालों को लड़की पसंद आ गई, और लड़के को तो लड़की पसंद है क्योंकि लव है, तो वो भी अरेंज ही हो गई और उसमें भी सुख शांति ज्यादा होती है आई थिंक, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग शुरू से हो जाती है अगर आप रिलेशनशिप में. पार्टी में कितना एंजॉय करने वाले हो आप लोग, आपकी बहुत अच्छी. वो तो अभी आप देखेंगे. ये सिंगल है तो तू सिंगल है? नो कमेंट. ही सेड नो कमेंट. अच्छा इस पार्टी का संगीत जो है वो मुंबई में है लेकिन प्रॉपर जो शादी है वो यूपी में बनारस है, तो आप लोग बनारस भी जा रहे हो? देखिए अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज हम लोग बैक टू बैक भारद्वाज हाउस की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हैं, तो इसलिए बनारस तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर हम बनारस की कसर निकाल के जाएंगे आज. अच्छा शादी की टिप देना चाहेंगे, शादी के बाद कैसे जीवन अपना. अरे इनकी कौन सी शादी हुई है, ये कैसे टिप देंगे? जी मेरी शो में शादी हुई है, वैसे मैं अभी तक कुंवारा हूँ, लेकिन हाँ मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि फॉर एनी रिलेशनशिप देर शुड बी अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैटिबिलिटी. अगर आप लोगों के बीच कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग है तो रिलेशनशिप स्मूथ हो जाता है. एक दूसरे को स्पेस दीजिए, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की बातों को समझें कि एक ही मुद्दे पर दो आदमी कभी भी गलत नहीं होते और सही नहीं होते. हर मुद्दे का एक अलग नज़रिया होता है, तो हर मुद्दे को देखें, सोचें और समझें, रिलेशनशिप स्मूथ. ये इतने सारे डेली सोपमैन की शादी हुई है ना, वहाँ से सब सीखे. चलिए लास्ट आप मिस कर दीजिए. ज्योत्सना विश यू वेरी 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 हैप्पी मैरिड लाइफ अहेड. आप दोनों को बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ, आप लोगों का आप लोगों के ढेर सारे बच्चे हों जापी की तरह बोले. आगे की यात्रा जो आपके साथ है, आप दोनों की एक साथ जो जीवन की यात्रा है वो मंगलमय है, और आप लोग एंजॉय करें एंड बी हैप्पी, एंड बिकॉज हैप्पीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी रिलेशनशिप. थैंक यू. थैंक यू. Thank you.
इन्जॉय करूँगा, फन डे इन्जॉय करूँगा, क्योंकि कल शूटिंग भी नहीं है वैसे, तो मतलब बात तो बनती है। और यहाँ पे अभी बस थोड़ी देर में संगीत शुरू हो जाएगा, तो आप देखिए धमाका होता है क्या। अच्छा, अगर शादी की बात करें तो ये लव मैरिज शादी है, और एक्टर और एक डायरेक्टर, ये सिलसिला तो चलता आ रहा है, लेकिन बात ये है कि ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है कि डायरेक्टर एंड एक्टर है, और डायरेक्टर जो है वो वाइफ नहीं है। आमतौर पे होता है कि शादी के बाद वाइफ जो है वो डायरेक्टर बन जाती है, लेकिन यहाँ पे हस्बैंड डायरेक्टर है, तो इसलिए मैं ज्यादा खुश हो रहा हूँ क्योंकि वही डायरेक्ट करेगा फिर आगे। अच्छा, कितने अच्छे दोस्त हैं आपके रितेश और? अब ज्योत्सना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, नितेश भी इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो ज्योत्सना के साथ काफ़ी काम भी किया है, सो बड़ी अच्छी पेयर है दोनों की। एंड एक्टर डायरेक्टर तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त है मेरे भी, और वो खुद भी आपस में बहुत अच्छे दोस्त है। बस मैं आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि यार यहाँ से बस शुरुआत हो जाएगी। देखा आपने म्यूजिक। अच्छा, अगर बात करें तो आपने यूपी की शादी अभी तक अटेंड किया है? यूपी की मैंने बहुत कम शादी अटेंड की है वैसे, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ज़्यादातर जो है पंजाबी मारवाड़ी शादी मैंने काफ़ी अटेंड की है, बाहर जाके भी या यहाँ पे भी, लेकिन यूपी की कम मैंने अटेंड की है, तो मेरे लिए भी एक अच्छी बात है कि यू नो आई मीन यहाँ से एक हो। इवन आई एम प्लानिंग टू गो टू बनारस ऑल्सो उसकी शादी में, लेट्स सी हाउ इट गोज। अच्छा, लास्ट विश आप कर दीजिए। ज्योत्सना एंड नितेश, विशिंग यू वेरी 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 हैप्पी मैरिड लाइफ एंड एंजॉय द संगीत। बल्ले बल्ले। थैंक यू सर। थैंक यू। बात करें अगर ज्योत्सना और नितेश की, ये लव मैरिज शादी और एक डायरेक्टर और एक एक्टर, ये कॉम्बिनेशन कितना बैठ रहा है और आपको कितना मतलब इस शादी में आप कितना एंजॉय करने वाले हैं? नहीं, इसके मेरे ख्याल से तालमेल बहुत ही सही बैठा है। जैसे एक एक्टर को डायरेक्टर संभालता है, वैसे ही ज्योत्सना को नितेश संभालेंगे, इस बात का मुझे पूरा पूरा यकीन है। जब मैं पहली बार नितेश से मिली थी तो मेरा पहला वाक्य जो मेरे मुंह से निकला था, मेरी बेटी का ख्याल रखना। और उन्होंने कहा था आई प्रॉमिस, और उस बात का उन्होंने ख्याल रखा है। आज एक नई जिंदगी के मोड़ पर हैं वो, और मोड़ बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, कहते हैं जब सब लोग साथ रहने लगते हैं तो एक परिवार बन जाता है, और एक परिवार से एक बेटी शादी कर रही है, कि कितनी दुआएं, कितनी खुशी आप लोगों के बीच में? डर लग रहा है। क्योंकि जब आपने जैसे कहा कि एक बेटी शादी करके जब जा रही है, तो मैं अपने सब बच्चे को, चाहे रोली एग्जाम देकर आती है तो मैं बोलती हूँ बेटा मेरी नाक मत कटाना, कोई ऑडिशन के लिए जाता हूँ मैं बोलती हूँ मेरी नाक मत कटाना, कोई अच्छा सीन होता है मैं कहती बेटा मेरी नाक मत कटाना, अच्छा सीन करना। वैसे ही इस बार भी मैंने मेरी खुशी को यही कहा है कि ससुराल जा रही हूँ, ससुराल से बड़का से नितेश के ससुराल जा रही हो, तो बेटा मेरी नाक मत कटाना। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो ऐसा कुछ, मेरे सब बच्चे अभी तक जहाँ भी आए हैं विनर बन के आए हैं। आपने यूपी की कितनी शादियाँ अटेंड की हैं? बड़ी इच्छा थी कि मैं बनारस जाकर क्या बोलते, क्योंकि मैंने बनारस कभी देखा नहीं, और इसी ये एक मौका था कि मैं नितेश और ज्योत्सना की शादी में जाती, लेकिन मेरा प्ले है देश से बाहर, तो मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, पहले की कमिटमेंट थी और ये मेरा मिस हो गया। वैसे मैंने यूपी की शादियाँ बहुत कम देखी हैं, दिल्ली में जब थे तब हमारे बहुत फ्रेंड्स थे जिनकी यूपी की शादी, और मुझे इतना पता है कि बहुत बहुत धमाल होता था, और बहुत सारे फेस्टिवल्स होते थे जो हमें पंजाबी घरों में अलग तरह के होते हैं और यूपी में अलग तरह के होते हैं, जो कि हमें पता ही नहीं चलते, बट दे वो वेरी गुड। मुझे इतना पता है कि खाना पीना भी बहुत अच्छा होता है, लव फूड। आप शादीशुदा हैं, काफ़ी सीनियर हैं, तो आप कुछ टिप्स देंगी ज्योत्सना को कि शादी के बाद लाइफ कुछ ऐसे सेट करना? जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने जो बातें अपने ससुराल में सीखी और जो अपना एक ध्येय बना के रखा कि मैं अच्छे परिवार से आई हूँ, मुझे अच्छी तरह से बड़ा किया गया है, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे क्या बोलते हैं शिक्षा दी है, और उसी शिक्षा के साथ मैं अपने ससुराल गई थी, और जैसी मैं थी मैंने अपने बड़ों का आदर किया, मैंने छोटों को प्यार दिया, लेकिन अपनी एक जगह फिर भी बना कर रखी। वैसे ही मैं ज्योत्सना को यानी कि मेरी खुशी को कहूँगी कि आप ससुराल जाएँ, अपनी जगह बनाएँ, बड़ों का आदर करें, छोटों को प्यार दें, और अपने दोस्तों का सम्मान करें वहाँ जितने भी लोग हैं, लेकिन जब वहाँ से आए तो लोग आपको मिस करें। और
Thank you.